तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही सरकारी नौकरियों को लेकर के कुछ भी ना कह रही हो, सीधे कुछ ना बोल पा रही हो, लेकिन जो बिहार सरकार ने रोजगार मुद्दे को जब से उठाया है तब से जितनी भी पार्टियां हैं उनमें हलचल पैदा हो गई है। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव जो इस समय कई राज्यों में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरियों की बड़ी बड़ी घोषणाएं लगातार कर रही है। और ऐसा होता भी है, चुनावों के समय अक्सर इस तरीके की घोषणाएं भी की जाती हैं और अगर आचार संहिता लागू नहीं होती है तो उसके पहले कुछ भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। तो उसी क्रम में आप लोग ये देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है जिसे देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा है इसमें। और हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद में 57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको भी जानकारी मिल जाए और ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की घोषणाएं चुनावों के पहले की गई। खास तौर से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 17,000 पदों की बात की गई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जांच की भी बात की गई थी, जो बात आज प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में की है। पीसीएस की वैकेंसी के घोटाले को लेकर के आज पीएम मोदी ने वहां पर बहुत सारी बातें की हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में किया था कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे और बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन सीबीआई जांच का भी कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में शिक्षक भर्ती की बात की गई थी तो भर्ती भी नहीं है। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, मैंने इसको खुद खोला है ट्विटर और यहाँ पर लिखा है, ये देखिए नीचे क्या लिखा है कि महिलाओं को 12,000 और 2.5 लाख युवाओं को नौकरी। ये देखिए 2.5 लाख युवाओं को नौकरी की बात की। पीसीएस घोटाले की जांच, ये जो बीजेपी का एजेंडा है पीसीएस घोटाले की जांच, तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप लोग 6-7 साल हो गए, कुछ जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही पड़ा। और 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती किया जाएगा, ये बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी की गारंटी की जो आप देख रहे हैं ये बातें जो लिखी है, 1 लाख सरकारी नौकरी की बात की गई है। भर्ती देते हैं या नहीं देते हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, रोजगार का मुद्दा अब इनको भी खटकने लगा है जो बिहार सरकार ने जिसकी शुरुआत करी। तो इस तरीके से वहां पर रोज रैलियों में कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 57,000, कहीं 53,000, इस तरीके से सरकारी नौकरियों की बात की जा रही है। हम बात करेंगे अब UP SSC की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वास्तव में वहां पर अगर सरकार बदलती है तो क्या वास्तव में वहां पर 1 लाख सरकारी नौकरियां आएंगी, क्या वास्तव में वहां पर 53,000-57,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, और जो घोषणा सरकार के द्वारा की गई है वो कितने प्रतिशत सही है, आप लोग कमेंट में बताएं। अब हम बात करेंगे UP SSC की। UP SSC सरकार मस्त छात्र पस्त, मैंने कल वीडियो बनाया था, ये वीडियो था लखनऊ के इको गार्डन का, आप लोगों ने देखा होगा। ASO 2019 परिणाम जारी करो, और ये विद्यार्थी दीपावली के दिन भी लखनऊ में ही है और लगातार वहां पर ये धरना प्रदर्शन 12 दिन से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ASO 2019 की वैकेंसी है, इससे भी पुरानी एक ASO की वैकेंसी है 2016 की, वो वैकेंसी भी आज तक पूरी नहीं हुई है। इन विद्यार्थियों का तो फाइनल परिणाम जारी होना है, लेकिन जो 2016 की भर्ती है उसमें अभी साक्षात्कार होने हैं, और साक्षात्कार इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि UP SSC में सदस्यों की कमी है, कर्मचारियों कमी है, सभी जानते हैं UP SSC में ज्यादातर प्रतिनियुक्ति और ऐसे वैसे काम चलाया जा रहा है, किराए की बिल्डिंग, केवल खाना पूर्ति हो रही, वहां पर इतने संसाधन ही नहीं है कि वो समय से काम कर सके। तो आज एक छात्रा ने ये पत्र मुझे दिखाया है जो भेजा गया है सचिव और जो चेयरमैन है प्रवीर कुमार जी, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, और इसमें वही बात लिखी हुई है कि अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार जी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, सादर चरण स्पर्श, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 से पहले, विज्ञापन संख्या 18/5/2016 की सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों के परिणाम के संबंध में, प्रार्थी के साथ ही अनेक बेरोजगार प्रतियोगी पिछले 7 वर्षों से सहायक सांख्यिकी अधिकारी विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप लोग जिनसे गुहार लगा रहे हैं वो खुद शासन से गुहार लगा रहे हैं, जो संस्था छात्रों को भर्ती करती है उसी संस्था वो खुद अपने कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पा रही है। फिलहाल आप लोग अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए। और लिखा कि प्रार्थी के साथ ही अनेक बेरोजगार प्रतियोगी पिछले 7 वर्षों से सहायक सांख्यिकी अधिकारी की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2019 के ASO के परिणाम से पहले
हम सब प्रतियोगी आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र करते हैं, तो 2019 एएसओ परिणाम से पहले 2016 एएसओ के परिणाम को जारी करने की कृपा करें। तो जो भर्ती पुरानी ही, इनके कहने का मतलब है उस भर्ती की भी आप सुध लें, उस भर्ती को भी आप लोग कंप्लीट करवाएं। हम हताश निराश बेरोजगार प्रतियोगी आपसे पैर पर गिर करके निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। हम बेरोजगारों के साथ आप अवश्य अन्याय नहीं होने देंगे, आप हमारे पत्र का अवश्य संज्ञान लेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। और ये बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का कि सरकार के पास समय नहीं है कि सरकार सदस्यों की नियुक्ति करे, सदस्य विद्यार्थियों के साक्षात्कार लें और उसके बाद में ये भर्ती कंप्लीट हो। सरकार के पास समय नहीं है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, और ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पता है। ये देख सकते हैं, ये समाचार पत्र में ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 3 मई की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में सदस्य के रिक्त पद नियुक्ति चयन हेतु आवेदन के संबंध में मई पूरा निकल गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और ये नवंबर आ गया, और अभी भी बताया जा रहा जो जानकारी निकल कर के आई है कि सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो इन विद्यार्थियों के समर्थन में दूसरे छात्र भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं रोजगार की वो बदतर हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2016 की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है और यही हाल टीजीटी पीजीटी इत्यादि का भी है। कल मेरी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई थी और आज भी बहुत सारे छात्रों से बात हुई। यूपी पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी काफी परेशान है और जानकारी निकल करके आ रही है कि ये इस भर्ती में अभी थोड़ा सा और देरी लग सकती है। लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल से लगे हुए, तो ये बताइए 2 साल से आप लगे हैं तो कोई परीक्षा मिली आपको प्रयागराज में देने के लिए जब से आप आए? प्रयागराज में वही सेंट्रल का मिला है अभी, मतलब यूपी की कोई वैकेंसी परीक्षा में बैठने को अभी नहीं मिला है। वैकेंसी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएसआई क्या बता रहे थे? मतलब वनडे में सब, जैसे यूपी हो गई, यूपीएसआई हो गया, पुलिस हो गया और सब तमाम वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की है उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी मौका नहीं मिला। मौका अभी उत्तर प्रदेश में हमें नहीं मिला। क्या लगता है प्रयागराज आना? वनडे को यूपी प्रदेश में हमें नहीं मिला। क्या लगता है प्रयागराज आना? इलाहाबाद में होती थी, प्रयागराज में नहीं हो रही है। इलाहाबाद में पहले होता था, अभी प्रयागराज में योगी सरकार ने जैसे बदल लिया यहाँ पर परीक्षाएं भी नहीं हो रही है, नाम भी बदल रहे हैं। यूपीएससी पहले से जैसा कि आयोग है, आयोग को मतलब हमें लगता है कि भंग कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना वैकेंसी सही से आती है ना फिर कोई भी चीज मतलब टाइम से होता ही नहीं। 2016 की भी बहुत सी वैकेंसी अभी जो बची हुई जिसका भी जैसे एसओ हो गया, उसका कंबाइंड टेक्निकल हो गया, इन सबका अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया है। और बहुत सी वैकेंसी है जो पुरानी वैकेंसी है जो कि पुरानी गवर्नमेंट के भी है, उसका भी पूरा नहीं करा पाया ये। और अपने समय में सिर्फ लगता है हमें कि एक लेखपाल दिए हैं जो कि पहले पेड़ से हुआ था, अभी वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी पता नहीं कब होगा ये, मतलब ऊपर वाले की भरोसे है। लेकिन अभी वीडियो का एग्जाम हुआ, वीडियो के एग्जाम में सिर्फ वो शायद आंसर के दिए हैं, अभी कुछ पता नहीं है कब क्या कब कुछ क्या आएगा, रिजल्ट कब आएगा। समय से काम करें और उसमें जो सदस्य हैं 2016 से ही मतलब 6 सदस्य का होता है, सदस्यों की भी कमी है, तो जल्दी से जल्दी सदस्य को मतलब नियुक्ति दिया जाए और फिर काम तेजी से किया जाए। हो गया लगभग 2 साल। 2 साल से कोई परीक्षा मिली देने के लिए? जी। कौन सी? जी ठीक है। सरकार से क्या मांगे आपकी? जी यूपी गवर्नमेंट लगभग 2018 में निकाली थी यूपीपी, तब से नहीं निकाली है। कई बच्चों का उम्र खत्म हो गया। हम लोग भी इसी आस में है कि भर्ती निकाल ले, जल्द कामयाब होकर घर जाए, कामयाब होकर घर जाए। माता पिता तो इंतजार कर रहे हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द से जल्द सरकार लाए, पुलिस का स्टेबल एसआई कुछ मिल रहा है, कुछ भी यूपीएसआई जो भी है भर्ती आनी चाहिए। जी देखिए, जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो होते हैं उनमें आप लोग लाइक करें या ना करें, मगर इस तरीके की वीडियोस को आप लोग जरूर लाइक किया करें। ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ऐसी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें और शेयर किया करें। बहुत सारे विद्यार्थी अपनी अपनी जो पीड़ा है, अपना अपना दर्द है मुझे सुनाते हैं, अपनी अपनी जो सूचनाएँ वो देते हैं, लेकिन मेरे एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस तरीके की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे सभी ग्रुप में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। फिलहाल आज का वीडियो हो गया। धीरे धीरे इसे ही सरकार ने जो है बोलना तो कुछ शुरू किया। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।